हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पोयो चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप अपनी मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दो कॉमन ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है आपको उसे ओपन करना है। तो जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलते हैं थ्री लाइन्स में, यानी कि आपको थ्री डॉट्स में मिल सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आपको जो है एक प्ले प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर एक सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर जो ये दोनों ऑप्शन है आपको इसे डिसेबल करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपको यहाँ पर प्ले प्रोडक्ट जो सेटिंग मिलती है, आपको इसे हमेशा इनेबल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके मोबाइल में जो हार्मफुल एप्लीकेशन होती हैं उसे डिटेक्ट करता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो जब वो इंस्टॉल नहीं होती है तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल हो सकती है। और अगर दोस्तों ये प्रोसेस आपके मोबाइल में वर्क नहीं करते हैं तो आपको सेटिंग पे जाना है। और जैसे आप सेटिंग पे जाते हैं तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपके मोबाइल में जो रीसेट के लिए मिलता है, तो आपको उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक जो है आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग, यानी कि आपके मोबाइल में जहाँ पर आप जो है रीसेट या फिर आप रिस्टोर करते हैं अपने मोबाइल को, वहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसे अगर आप रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना होने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, इन दो प्रोसेस को करने के बाद आपके मोबाइल में जो इंस्टॉल ना होने की जो प्रॉब्लम है वो जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दो सेटिंग से आप अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना होने की जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक दे देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।